हेलो हाँ जी विचार, कैन यू हियर जी? जी हाँ, मैं विचार समर मेरे नाम से है, मैं ऋषि टंडन हूँ। अच्छा, मैं इंडिया को बिलोंग करता हूँ, लखनऊ से हूँ। अच्छा, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड लखनऊ के बारे में। हाँ, तो मैंने बहुत बहुत चीजें सुनी आरएसएस के बारे में आप लोगों की तरफ से। अच्छा। मैं आरएसएस जुड़ा हुआ हूँ, तो अच्छा। मुझे लगा शायद आप लोगों के साथ में जुड़ के एक बार मैं जानना चाहूंगा कुछ आपके दिमाग में आरएसएस के बारे में है, तो कुछ सही कुछ गलत, तो मैं जानना चाहूंगा क्या भ्रांतियां हैं आप लोगों के दिमाग में। मैं आरएसएस के बारे में इतनी बात नहीं करता। आई स्पीक समथिंग अबाउट द एलिमेंट्स जो होते हैं, जो आम जबान में कहा जाता है कि ये मेक साइड कोइंसाइड विद आरएसएस। आई यूजुअली स्पीक अबाउट जो रेडिकल हिंदुत्व मूवमेंट है, जो ये समझती है कि हमने एक सेकुलर इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना। वी स्पीक अगेंस्ट दैट, एंड एनीवन हु सपोर्ट्स दैट काइंड ऑफ अ नोशन, जो भी उसको उस नोशन को सपोर्ट करता, चाहे वो बजरंग दल हो या चाहे कोई आरएसएस का बंदा हो, दोज आर द पीपल। आई हैव हर्ड कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन कि आरएसएस का ये मोटो नहीं है, यू नो, आई हैवंट गॉन इन टू, इसलिए मैं ब्लैंकेट टाइम मैंने कभी आरएसएस को आई हैवंट एक्चुअली स्पोकन अगेंस्ट इट पर से, क्योंकि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं है। हमारी जो मेरी जो नेचुरल बात होती है वो इसके खिलाफ है कि जो एक सेकुलर स्टेट को समझता है कि उसको एक रिलीजियस नाम दे के, चाहे वो हिंदू राष्ट्र, इन योर कॉन्टेक्स्ट इसको हिंदू राष्ट्र कहा जाए। सो दैट्स व्हाट आई एम अगेंस्ट। तो एक कल्चरल आइडेंटिटी होने की क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर सपोजिंग इंडिया हैज अ कल्चरल आइडेंटिटी, वी हैव गॉट अ heritage of 7,000 years. So why do you think that we should leave it all behind and bring it again from zero? You can, I'm not talking about religious identity. Remember, I'm not talking about religious identity. It is marred in religious identity as well, because the word itself, Hindu ki connotation hai. You can call ki ye Hind hai, religion is part of that. I am telling you, religion is a part of that, but it's not just the religion part. Haan, lekin modern state mein, aapne hame question pucha, but in jo 21st century ki jo nation states hain, jo modern states hain, jo egalitarian societies hain, wahan par aapke, agar aapka ek country secular country hai, to usse aapki koi हिंदू आइडेंटिटी या जो आपकी 5-7,000 ईयर की जो भी हिस्ट्री है, इट डजंट गो अवे। हु सेज दैट इट्स गोइंग अवे? कौन, क्या पाबंदी लगी हुई है? इन अ सेकुलर इंडिया आर यू फॉरबिडन टू से के यू नो 7,000 ईयर्स अगो वी यूज्ड टू डू दिस? यू नो इसकी तो कोई रिस्ट्रिक्शन, सेकुलरिज्म का तो उससे कोई क्लैश ही नहीं है। व्हाई गिव इट अ नेम हिंदू राष्ट्र? आई एम नॉट सेइंग इट शुड बी हिंदू राष्ट्र, बट आइडेंटिफाइंग वन्स ओन कल्चरल हेरिटेज भाई, आफ्टर ऑल इटली डज इट, ओके, सो यूरोप डज इट, सो व्हाई शुड वी लीव ऑल आवर कल्चरल नॉलेज बिहाइंड एंड स्टार्ट अफ्रेश एवरी 50 इयर्स या 70 इयर्स? हाउ इज इटली, हाउ ऑफ अ सिविलाइजेशन चेंज? कौन सा यूरोपियन कंट्री, कौन सा इटली होली रोमन एम्पायर या एंशिएंट रोमन एम्पायर के नाम पे बना हुआ? कौन सा पैक्स रोमाना है वहां पे? They have got their own buildings. They have got their own cultural identity. They are proud of it, and we are also. पहली बात है, Italy is a very recent phenomenon. पहले सारी kingdoms होती थी. अगर आप history देखें. No, I think you're going somewhere else. I'm not saying. Italy world का नाम नहीं ले रहा हूँ. नहीं तो आप किसका नाम ले रहे हैं फिर? यार एक second सवाल. मैं तो Europe में भी. मैं आपको Europe की बात बता रहा हूँ. आपको समझ नहीं आया आपने बात क्या की है यहाँ पे? आपने कहा है कि Italy is doing it, Europe is doing it. मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कहाँ पे इटली में कोई मूवमेंट है कि हमने होली रोमन एम्पायर की बेसिस पे मॉडर्न इटली को बनाना है, या हमने जूलियस सीजर की प्रिंसिपल्स के ऊपर अपने इटली को बनाना है? हु सेइंग दैट? नहीं, वी आर नॉट सेइंग कि हमने हिंदू राष्ट्र में हिंदू रिलीजन के बिहाव से बनाना है। हु सेइंग दैट? यू आर नॉट सेइंग दैट। नहीं तो ठीक है, नहीं, हु आर यू? वी आर यू? एवरी पर्सन इन इंडिया जो हिंदू राष्ट्र का नारा लगता है? आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदू राष्ट्र। नहीं, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पीपल। सो पीपल हैव गॉट देयर ओन राइट टू देयर ओपिनियन भाई। अच्छा, इन सर से मैं क्वेश्चन हरिश पूछना चाहूंगा। नो एक सेकंड, नो हैंग ऑन, आई नीड टू लॉक इनटू इट। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो एवरीवन हैज एन ओपिनियन, सो आई हैव एन ओपिनियन टू। मैं भी अपनी ओपिनियन बता रहा हूं कि जो सेक्युलर मॉडर्न सेक्युलर स्टेट है,
जो मॉडर्न सेक्युलर स्टेट ऑफ इंडिया है दैट इज समथिंग दैट वी शुड ऑल एस्पायर टू. ओके सो लुक दैट डैम हिंदू डू यू आर यू नॉट इन. अगर आपने इटली और यूरोप को इन्वोक करना तो मैंने जैसे आपको बताया वहां पर तो कोई होली रोमन एम्पायर या जूलियस सीजर को आइडलाइज करके कोई मॉडर्न इटली की स्टेट की मूवमेंट नहीं है. वुड यू से कि जो हिंदू राष्ट्र की जो मूवमेंट कहते हैं जो कहते हैं कि हमने उपनिषद को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है डू यू नहीं ऐसा कोई नहीं कहता. आरएसएस नहीं कहता. आरएसएस I'm saying ऐसा जो भी कहता है are you against that would you condemn them? Yeah, obviously we have got a constitution. आपको मैनिफेस्टो क्या है जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जो आप चाह रहे हैं? अगर वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाह रहे जो आप जो हारिस ने आपसे पूछा है तो फिर एक्चुअली अभी करंट सिचुएशन में क्या मिसिंग है जो आप चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने? मैं एक्चुअली समझना चाह रहा हूँ. नहीं मैंने ये नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बने. आप हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमने अपनी सारी कल्चरल हेरिटेज पीछे छोड़ के वी आर स्टार्टिंग अफ्रेश. व्हाई शुड वी डू दैट? हम ऑस्ट्रेलिया नहीं है. हमारे ऑस्ट्रेलिया में आपने पूरी अपनी कल्चर हेरिटेज छोड़ दी. क्या चीज पीछे छोड़ी गई है और उसके अगेंस्ट क्या चीज लाई जा रही है? मैं समझ नहीं पा रहा भाई. कल्चरल हेरिटेज का मतलब प्लीज आप समझते हैं या नहीं समझते हैं? नहीं हमें आप कोई भी बिल्डिंग बनती है रुक जाइए सर प्लीज थोड़ा सा दूसरे को पेशेंस दीजिए. सर आपने पूछा ना, मैंने कहा हमें नहीं पता. आई थॉट दैट वाज नॉन रिटोरिकल. कभी भी कोई बिल्डिंग बनती है तो क्या नीचे की पूरी बिल्डिंग तोड़ना जरूरी है? इज इट नेसेसरी? या हम लोग एक ऊपर से शुरू कर सकते हैं कहीं आगे की ओर? सर ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, पूछे मैं स्पेसिफिक्स में पूछना आपसे चाह रहा हूं. स्पेसिफिक्स रिटोरिकल क्वेश्चन सर. आप ये समझिए, पहले आपको बेसमेंट से बनाने की बिल्डिंग शुरू करनी पड़ेगी. एक बार बिल्डिंग बनाने के बाद आप बेसमेंट नहीं बना सकते. ऑलरेडी वी हैव गॉट 7000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, डांस, ड्रामा. वेयर इज इट इन डेंजर? वेयर इज इट इन डेंजर? समझ नहीं आ रही वो कहां पे डेंजर बता रहा हूं ना. अब आप प्लीज. अच्छा एक्चुअली इसको जरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा स्टेप इनटू आवर शूज. ठीक है इसको देखिए. आपने हमारे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर टू बी ब्लेम्ड. हमारे यहाँ जो लेफ्ट लिबरल ऑर्गेनाइजेशन हैं, मेरे खास तौर से लिबरल हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, लिबरल आर्ट्स हैं, दे हैव अ राइट टू प्रोपगेट देयर ओन idea of India. I don't have any problem with that. Magar kya hua hai? That for last 60 years, their idea has been built on our grave. Hamare apne cultural identity ke upar, hamare apne religious identity ke upar, hamare apne dance, drama, hamare apne icons ke upar build kiya gaya isko. Hum kya chahte hain? Hum chahte hain ek thodi si hume bhi space mile. जो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था एटलीस्ट उसको भी समझ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. हम समझ नहीं पा रहे अभी तक. आप नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? कौन सी इंडिया में कौन सी ऐसी चीज के ऊपर, कौन सी ग्रेव के ऊपर बनाया गया, कौन सी इंडियन नेस को निकाला गया या आपके कल्चरल हेरिटेज को पामाल किया गया? अभी तक आपका सवाल नहीं आ रहा, वैसे रेटरिक आ रहा. ओके सो बेसिकली अब आप ये समझिए, आज के डेट में नॉर्थर्न इंडिया में हिंदू एथोस का पूरी तरह से गायब कर दिया गया ड्यू टू जो भी हमारे पास बाहर से लोग आए, पूरी तरह गायब कर दिया गया. हमारे जो आप समझते हो सच है जैसे साउथ इंडिया में जहां पे कैप्चर नहीं हो पाया वहां पे ऑलरेडी वहां पे अपना उनका डांस है, अपना कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है और उस जिसको रिलिश करते हैं. नॉर्थ इंडिया में हमारे मेजर सारे रिलीजियस सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, हमारे मेजर टेंपल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया जो हमारे एक एक फिगर हेड होते थे फॉर एनी सिविलाइजेशन. टेंपल डिस्ट्रॉय कर दिए गए? मैं समझा नहीं ये बात. सर इसके लिए प्लीज आपको पलट के एक बार देखना पड़ेगा. नॉर्थ इंडिया जो कि एक काफी बड़ा पार्ट है इंडिया का, इसके कोई भी आप अगर पलट के देखेंगे तो 100 या 200 ईयर्स से ज्यादा पुराने आपको कोई भी टेंपल्स नहीं मिलेंगे.
कोई भी टेंपल्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। टेंपल एक भी अगर डिस्ट्रॉय करें तो पूरे इंडिया में ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। मुझे आपकी आप ये मेटाफोरिकली कह रहे हैं या एक्चुअली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या उसका फिजिकल स्ट्रक्चर? आप कोई भी टेंपल्स 200 ईयर से ज्यादा पुराने नॉर्थ इंडिया के बताइए आप मुझे। आपके ख्याल में जिस तरह ज्ञानवापी सॉरी जो मस्जिद है उसको भी गिरा के आपके ख्याल में जो पुराने जहां पे आपके ख्याल में टेंपल्स थे वहां पे आपको सारे टेंपल्स रेजरेक्ट करने चाहिए? ये आपकी फिलॉसफी का हिस्सा सारे नहीं सारे लेकिन आपको पता है कि दुनिया में कहीं भी ये हिस्ट्री में हमेशा हुआ है। दुनिया में कहीं भी आज यूरोप के अंदर जाके कोई बिल्डिंग अगर बन गई किसी पुरानी बिल्डिंग के ऊपर उसको कभी भी नहीं गिरने देंगे क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट अ कंट्री एट अ सर्टेन पॉइंट। आप उसको आप हिस्ट्री को वापस नहीं ला सकते। आई एम सॉरी टू से नहीं डाली पॉइंट ये कि वापस लाना बम पॉइंट नहीं। हारिस और मेरा जो भी क्वेश्चन है अभी तक आंसर नहीं किया कि अभी क्या चीज चल रही है। आप प्लीज अपना क्वेश्चन रेज कीजिए सो दैट आई कैन आंसर दोस क्वेश्चन। चलिए अपने क्वेश्चन आप रेज कीजिए। आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। वही क्वेश्चन है कि क्या चीज आपकी करंट इंडिया में चैलेंज हो रही है जो आप कह रहे हैं लेफ्ट लिबरल प्रोपेगेशन है वो क्या चीज आपको मना कर रहे हैं या क्या चीज डिस्करेज हो रही है? क्या ऐसी आप ईथोस की बहुत जनरल बात करेंगे ईथोस मुझे अभी तक समझ नहीं है क्या सिर्फ सिंपली कह रहे हैं कि हमें प्राउड होना चाहिए इंडियन होने के लिए क्या मकसद क्या है? मैं अभी तक स्पेसिफिक्स में आपका नहीं पॉइंट समझ सका। सर आप इंडियन हैं क्या? मैं पाकिस्तानी हूं लेकिन मैं लार्जली लार्जर सिनेरियो में अपने आप को एथनिकली इंडियन भी समझता हूं। आप को बाय कल्चर इंडिया से जोड़ पाते हैं किसी तरह? जी मैं बिल्कुल जोड़ पाता हूं। पंजाब से माइग्रेटेड हूं मैं ईस्टर्न पंजाब। किस तरह जोड़ पाते हैं सर? क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स जो हैं वहां पैदा हुए थे और हम एनो और एथनिकली एंड वी एथनिकली वी आर ऑल इंडियंस। हां ऑब्वियसली आप देखिए यही ये जो आपके कहीं ना कहीं यू फाइंड योर रूट समवेयर आप खुद पॉइंट कर रहे हैं ना। तो मैं भी यही कह रहा हूं आप अगर इन रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे सर डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है कहां कर रहा है मैं ये सवाल है सर। ऑलरेडी हो चुके हैं कंट्री डू आप ये बताइए एक आपने तीन कंट्री बना दी एक कंट्री का सिविलाइजेशन का जिसमें से आपने बाकी दो कंट्री से पूरी तरह से गायब कर दिया। अभी करंट इंडिया की बात हो रही है आरएसएस की बात हो रही थी ना। करंट इंडिया में क्या चीज है जो आप चाह रहे हैं कि आरएसएस का क्या मैनिफेस्टो है कि ये चीज जो है हमारे गायब हो गई है और ये चीज हमने अब लानी है? गायब हो गई और लानी है। देखिए सर हम लोग आरएसएस में हम लोग एक दिन एक महीना एक साल के बारे में नहीं सोचते हैं। ये वी आर अ लॉन्ग टर्म थिंकर। तो हमने इसको इट इज नॉट लाइक दैट कि हम आज हटाएंगे आज लाएंगे कल लाएंगे। चलो सर मेरा अब क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे तो नहीं नहीं स्पेसिफिक्स में नहीं आ पा रहे जो नहीं नहीं स्पेसिफिक्स में कैन यू आंसर कोई भी भाई ऐसा नहीं होता है कि आपको मैं कह दूं ये लाना है ये नहीं लाना है भाई। तो मैं अपना कंजेक्चर बताता हूं कि मैं आप स्पेसिफिक्स नहीं बता पा रहे से मेरा डायग्नोसिस क्या मैं वो आपको बता देता हूं। स्पेसिफिक्स नहीं बता पा रहे इससे जनरल जो है एक बस आप एक उस समझ लें कि एक डॉगमा जो है उसके शहर में आप वापस एक अपने स्टेट को देखना चाहते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र हिंदू आप रिलीजन को क्लियरली मेंशन नहीं करना चाह रहे लेकिन आपकी बातों से सारा समझ यही आ रहा है कि आप हिंदू एसेंस जो है चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी नजर आए स्टेट की बातों में भी नजर आए लेकिन आप उसको डांस और इस तरह की चीजों में वो शायद दिखाना चाह रहे हैं लेकिन अदरवाइज डांस ना करने से कोई रोकता है? हमें बॉलीवुड में भी डांस मिल रहा है हर जगह डांस मिल रहा है। मुझे अभी तक समझ नहीं आती कि कौन सी ऐसी चीज है जो लेफ्ट लिबरल लोग मुझे अभी तक नहीं समझ आई। एग्जैक्टली नहीं तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको एक कल्चर एक कॉम्पोजिट चीजों से मिलके बनता है ना या खाली एक ही चीज से बनता है? इज इट बैंड? नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ खाली क्या रिलीजन ही एक कल्चर होता है? रिलीजन एक कॉम्पोजिट लेकिन आपने जो एग्जांपल दिया है आपने वो रिलीजियस अभी तक एग्जांपल्स दिए हैं तो टेंपल्स की। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ अगर कोई टेंपल गिरा दिया किसी ने फॉर व्हाटएवर रीजन उसके पीछे कोई रीजन होगा और वो रीजन देखना पड़ेगा वो रीजन क्या है। आपने कोई अभी तक स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं दी कहां पे कहा गया है कि आपने अपने आप को इंडियन नहीं कहना और आपने अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको एक्सेप्ट नहीं करना कहां पे लिखा गया है? मुझे अभी तक आपका केस ही नहीं समझ आ रहा। नहीं नहीं तो यही तो मैं कह रहा हूँ आरएसएस को आप लोग अक्सर आप लोग मैंने देखा है अक्सर डेमोनाइज करते हैं तो बेसिकली जो चीजें हमारी चली गई उन्हीं को तरफ वापस ला रहे हैं कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या चला गया बताएं ना कोई बताएं ना क्या चला गया आपके पास से? भाई हमारी कुछ कल्चरल वैल्यूज थी उसके बेसिस पे हमारी मसलन लाइक व्हाट आर द कल्चरल वैल्यूज जो होती हैं सर वो कहीं ना कहीं से डिराइव होती है हमारी सोसाइटी की वैल्यूज डिराइव होती है। आपको मेरा ख्याल समझ नहीं आ रही क्वेश्चन आप कह रहे हैं सोसाइटी हमें पता है हर चीज की
सोसाइटीज इवॉल्व करती हैं, वैल्यूज भी इवॉल्व करती हैं, आपकी कौन सी ऐसी वैल्यू है जो पीछे चली गई, कि कास्टिज्म को वापस लाना चाह रहे हैं आप, क्या करना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आपके आई हैव टू पुट वर्ड्स इन योर माउथ बिकॉज यू हैवंट इवन गिवन अ सिंगल स्पेसिफिक इशू। कौन सी ऐसी चीज है जो मॉडर्न इंडिया में प्रैक्टिस करना आउटलॉ हो गई है, जिसको आप कल्चर का नाम दे रहे हो? कल्चर इतनी ब्लैंकेट टर्म है, उसके अंदर कुछ भी डाला जा सकता है, उसके अंदर हम कास्ट को भी डाल सकते हैं, रिलीजन को भी डाल सकते हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कौन सी ऐसी चीज है जो मॉडर्न इंडिया में पॉसिबल नहीं है? क्या आपको पता है कि हम लोग कोई भी, जैसे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या कोई भी टेम्पल्स बनते हैं जो पुराने हैं, उनपे हमें टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, एंड दे आर अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल? यस, फाइन। आपको आपको बाकी दुनिया में जो रिलीजन को टैक्स फ्री एंटिटी दिया हुआ है, और हम ये कहते हैं कि रिलीजन ऑपरेट्स एज एन एंटरप्राइज, तो हर एंटरप्राइज के ऊपर टैक्स होना चाहिए। मैं तो कहता हूं मस्जिदों के ऊपर भी होना चाहिए। So what's wrong with that? नहीं, ये तो गलत है। हाँ, तो मस्जिदों के, हाँ तो वो होना चाहिए, वो लेजिस्लेटिव इशू है, वो हो जाएगा। ठीक है, नहीं, आरएसएस पे ये एक मुद्दा है जो आपने प्राइवेट जेट से पढ़ा है, ये आरएसएस का मुद्दा है, आई एग्री विद यू। एक सेकंड, और दूसरी चीज है सर, ऐसा है ना, अब आप क्या है ना, सब आप प्लीज मेरी, जो आपने कहा है, क्वेश्चन रेज किया है, वो प्लीज मुझे आंसर करने दीजिए। थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, 2 मिनट का, तीन घंटे 41 मिनट आपको हो गया, आई नो यू आर थक गए होंगे आप लोग। बेसिकली अब आप ये देखिए, हमारे पास स्पेशल एडवांटेजेस दी गई हैं मुस्लिम्स को, 4 शादी कर सकते हैं, जितने चाहे बच्चे कर सकते हैं, स्पेशल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जिसका फायदा मिलता है। क्या ये हिंदुओं को स्पेसिफिक कोई मिलता है रिलीजन के बेसिस पे? नहीं मिलता है। वी वांट इट टू बी लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबॉडी। ओके, लेट मी अंडरस्टैंड दिस मोर। ओके, फेयर इनफ। तो और ये चीज हम ये कहते हैं, जो वो हम ये नहीं कहते कि हिंदुओं को भी मिलना चाहिए, हम ये कहते हैं मुसलमानों को नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए, तो आप कहते हो नहीं मिलना चाहिए, वी एग्री। तो मैं मॉडर्न एग्री नहीं करते नहीं, लेकिन हम आपसे दूसरी तरफ, हम सेक्युलरिज्म को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, आप उसको सेक्युलरिज्म को वीक करके आप कह रहे हैं कि वही चीज जो मुसलमानों को मिल रही है वही हिंदुओं को मिलनी चाहिए। हम आपको ये कह रहे हैं कि सेक्युलर, मॉडर्न सेक्युलर स्टेट का काम नहीं है कि आपको रिलीजन के ऊपर, और मुझे नहीं पता कौन से 4 बच्चे पैदा करने पे कौन सा किसी को रिवॉर्ड मिलता है इंडिया में, आई डोंट नो, लेकिन अगर मिलता भी है किसी मुसलमान को तो वो नहीं मिलना चाहिए। इंडिया शुड बी अ मोर सेक्युलर स्टेट। उसका सोल्यूशन ये नहीं कि सेक्युलरिज्म को खत्म करके इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अगर कोई मुराद मिलती है, मस्जिदों पर टैक्स होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं के ऊपर भी टैक्स नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर भी नहीं होना चाहिए। ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन बैकवर्ड कास्ट तो हिंदू भी फायदा उठाते हैं ना, आपकी ओबीसी और उसमें हिंदू लोअर कास्ट हिंदू को भी फायदा होता है, तो आप चाहते हैं वो भी खत्म हो जाए? नहीं तो बाकी के साथ में क्यों ऐसा, बाकी हिंदुओं ने क्या ऐसा गुनाह किया है भाई, उनको नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मुस्लिम लड़कियों के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए अगर हाई स्कूल पास करने पे साइकिल है तो सबके लिए। अमेरिका में रहता हूँ, ठीक है, मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे अमेरिका में पढ़ा था, ठीक है, अब जहाँ पे एक अमेरिका से इक्विवेलेंट मत कीजिए, बिकॉज अमेरिका इज अ डिफरेंट कंट्री। जो उनको आज भी वो कहीं भी खड़े नहीं होते। आज तक कोई भी प्रेसिडेंट यूएस का ना तो फीमेल हुई है और ना ही जो ओरिजिनल ट्राइब्स हैं वो उनमें से कोई भी। प्लीज इनको इक्विलेट मत कीजिए, मकसद ये है कि कल्चर वापस आए, इंडियन और हिंदू प्राइड वापस आए, सब कुछ है। अब आप कह रहे हैं कि दो आपने जो बताया सब चीज कंप्लीट कर दीजिए, हमें कल्चर की बात कर लीड करो फिर। सर आप पॉइंट की बात कर सर आप, अच्छा ओके, मे बी इज गेटिंग टू क्लटर्ड डाली एंड पाक पंजाबी। लेट मी जस्ट, आप लोगों को मुझे थोड़ा सा नीचे बैठा, बैठे रहे आप नीचे, क्योंकि ही इज प्रॉब्ली फीलिंग ओवरवेलम्ड। मुझे आपका मुद्दा नहीं अभी तक समझ आ रहा, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, और जो डाली ने जो आपको अमेरिका की जो एग्जाम्पल दी, देर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। अमेरिका में भी अगर सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, यू कैन हैव सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी इन ऑल अदर कंट्रीज इज वेल। और अगर ये कोई पैमाना नहीं है कि अगर उनके पास औरत प्रेसिडेंट नहीं आई, तो इस तरह मैं कहूं कि उन्होंने, दे हैव लैंडेड अ मैन ऑन द मून, सो देयरफॉर यू कांट। एक सेकंड, नहीं पॉइंट तो रख लेना, पूरा पॉइंट तो रख लेना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि लॉजिक को किस तरह अपनाया जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर उनकी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं आई, देयरफॉर हम उसकी किसी भी चीज को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। उस तरह फिर मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि आपने
इंसान को चांद के ऊपर नहीं रखा इसलिए आपका हर क्लेम भोंडा है, उसको हम उसको सिविलाइज वर्ल्ड में ही नहीं काउंट करते। ऐसे नहीं होता, थिंग्स आर न्यूएंस्ड, उसके अंदर बड़े सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं, लेकिन जो लॉजिक होती है ना, लॉजिक को अप्लाई किया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये है, मैंने भी आपको एग्जाम्पल दी कि सेकुलर 21st century की जो रिक्वायरमेंट है फॉर सक्सेसफुल स्टेट्स, दो स्टेट्स आर इगैलिटेरियन स्टेट्स, वो सेकुलर स्टेट्स हैं। सेकुलर का मतलब ये है कि स्टेट का रिलीजन में और लोगों के पर्सनल बिलीफ में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मीनिंग, आपने चार बच्चे, आपने पांच नमाजें पढ़नी है, आप पढ़ें, आपने मंदिर में नाचना है, आप नाचें, लेकिन स्टेट आपको ना इस पे कोई रिवॉर्ड देगी, ना इस पे आपको कोई पनिशमेंट देगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस क्लेम? या आई अंडरस्टैंड, प्लीज कंटिन्यू, आई एम देयर। कुछ और भी बात हो तो बताएं। नहीं नहीं, अभी अभी इतना ही है। ओके, नहीं तो मैं थिंक आई थिंक दैट वी आर ऑन द सेम पेज। असली प्रॉब्लम हमारे यहां 65 ईयर से क्या है, बिफोर द करंट गवर्नमेंट केम इन, तो प्लीज इसको जरा सा सिंपैथेटिकली सुनिए कि हमने अभी आपने रिलीजियसली न्यूट्रल के तौर पे या जिसको आप सेक्युलर कहते हैं, इसके नाम पे वी एस्टैब्लिश्ड अ बायस्ड डेमोक्रेसी। बायस्ड डेमोक्रेसी मींस कि हमने स्पेशल प्रिविलेज एक क्लास को दी, दूसरे क्लास को दी, तीसरे क्लास को दी, एट द कॉस्ट ऑफ होम द मेजोरिटी कम्युनिटी। क्या हुआ है कि हमारे यहाँ मुस्लिम्स हैव बीन द रूलिंग डी फैक्टो रूलिंग क्लास बाय अ वोट बैंक पॉलिटिक्स विच हैव बीन स्क्यूड। तो ये हमेशा हमारे यहाँ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं भाई, हमें एक इक्वल पोजीशन दीजिए जहां से हम अपने वापस कल्चरल वैल्यूज को ट्रेस कर सकें, उनको हम फॉलो भी कर सकें। अभी तक क्या हुआ है? नहीं नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, आया नहीं आया अभी, मैं बहुत देर से आपकी बात सुन रहा था, जरा मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए, है ना, क्योंकि मैं अभी काफी देर से आपके हियरिंग यू आउट। अगर आप हम आगे नहीं ना जा पा रहे, हम मुझे पॉइंट आ गया आपका समझ। आप कह रहे हैं कि हमें भी अपने कल्चर वैल्यूज को प्रिजर्व करने का हक दिया जाए। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम डाइवर्ज हो जाते हैं, हम यहाँ एक पॉइंट नहीं रहते। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्टेट का काम रिलीजन लोगों के पर्सनल मैटर्स में उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे ये बताते हैं कि मुसलमानों को मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, मगर ये आपको मैं कह रहा हूँ एक स्पेशल प्रिविलेज क्लास है जिसके अपने लॉज हैं, स्पेशल लॉज है। हमें पता है इस बात का, वो गलत है ना। आरएसएस और क्या मांगता है, कहता है भाई हमें इक्वल पोजीशन तो दो। नहीं नहीं, आरएसएस कहता है, आरएसएस कहता है, आरएसएस कहता है, मुझे बताइए आरएसएस क्या कहता है। आप ही तो बता रहे हो, मैं आपकी बात को रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपकी बात को रिपीट कर रहा हूँ। आप प्लीज, आई डोंट थिंक यू आर इवन ऑन द सेम पेज, आपको समझ ही नहीं आ रही मैं बात क्या कह रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों को भी वो हक नहीं मिलने चाहिए जो आप कह रहे हैं प्रिविलेज क्लास है। मैं आप कह रहे हैं कि हमें भी वो प्रिविलेज दिया जाए जो मुसलमान। नहीं नहीं, नहीं कहा मैंने, मैं कह रहा हूँ हटाओ, गिव अस अ ओके, दैट्स फाइन, ऑन द सेम पेज बाय एनी मींस फॉर पॉसिबल। आप चाहे तो चार शर्तें अलाउड है सबको, नहीं okay. कहते हो एक होनी चाहिए तो दे शुड बी वन। इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंडिया के था कि इट शुड हैव बीन ऑल कॉमन लॉज फॉर एवरीबॉडी एंड इट हैज बीन अ पर्सनल मैटर। शादी का जो इशू है, दैट्स अ पर्सनल मैटर। कैसे आप कैसे कह दोगे, आप पूरी आप डेमोक्रेसी हाईजैक कर लेती हो बाय ब्रीडिंग। आप कैसे कह सकते हो दिस इज, आपने जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, एक सेकंड, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था आप बच्चे पैदा कर ले। हाँ तो यार यही बच्चे पैदा कर ले। अच्छा तो फिर चार शादी भी अलाउ कर दीजिए। नहीं तो एक सेकंड, आपको पता है ये कितना भोंडा, अभी अभी मैं आपको बताता हूँ, चार शादी हो या आठ, अभी अभी बताता हूँ, सुन लेना यार, यार मुझे म्यूट ना करना पड़े, आपको मुझे म्यूट ना करना पड़े, प्लीज सुन ले अपना आर्गुमेंट। जो दुनिया में मुसलमानों की जितनी औरतें हैं वो उतनी ही रहेंगी, अगर एक बंदे ने चार शादियां कर ली हैं, शी विल स्टिल गिव द सेम नंबर ऑफ बेबीज अगर वो चार औरतें चार मर्दों में होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के पास चार गुना ज्यादा औरतें हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात ये, दूसरी बात ये है कि अगर मैं चार बीवियां रखूं या मैं आठ गर्लफ्रेंडे रखूं, स्टेट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकती। नो, हंसने की बात नहीं है ये, क्यों नहीं, आप लोगों की बात है, आपको मैं भी बताता हूं, क्योंकि आपको फ्रीडम का मतलब ही नहीं पता।
आपको फ्री चॉइस आपको फ्री चॉइस का मतलब ही नहीं पता कि अगर आपको पता है कि कोई क्राइम पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है कि अगर मैंने एक गर्लफ्रेंड के ऊपर मैंने तीन गर्लफ्रेंडें रखी हुई है, वो सिविल मैटर है, वो पर्सनल मैटर है, वो पर्सनल बुराई गलतियां हो सकती हैं, उसको मॉरल प्रॉब्लम कहा जा सकता है, लेकिन उसको क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता कभी भी। इसीलिए चाहे दो गर्लफ्रेंडें हो, तीन हो, चार हो, नहीं आप कह रहे हैं ना कि ना दूं उनको, आप कह रहे हो चार की शादियां नहीं इजाजत होनी चाहिए, आप कौन है मुझे बताएं कि मैं चार गर्लफ्रेंडें नहीं रख सकता? नहीं नहीं, देयर शुड बी वन लॉ फॉर एवरीबॉडी, इज इट रॉन्ग टू अस्यूम? नहीं नहीं, देयर शुड बी वन लॉ, यस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्वल लॉज होने चाहिए फॉर एवरीबॉडी, नहीं होने चाहिए? यस यस, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना, हां यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, लेकिन आप उसको अप्लाई कभी भी नहीं कर सकते। अगर किसी हिंदू ने भी तीन तीन गर्लफ्रेंड रख ली है और उससे शादी बच्चे पैदा कर लिए हैं, तो स्टेट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने कहा पहला पॉइंट था आपका कि वुमेन तो विल रिमेन द सेम नंबर, ओके, कंसिडरिंग कि एक मुस्लिम फैमिली में 12 बच्चे में हो सकते हैं, 10 बच्चे हो सकते हैं, जो कि मैंने देखे हैं, 18-18 बच्चे मैंने अपने लखनऊ में ही देखे हैं, मेरे साथ में काम करने वाले लोगों के यहाँ देखे हैं, और मेरे किसी भी फैमिली मेंबर में लास्ट तीन जनरेशन से किसी के 12 बच्चे नहीं है। एनी हाउ मैं आपको बता सकता हूँ, ये शादी एक सेकंड जस्ट एक देखिए, एक पॉइंट समझ आया सर आपको? प्लीज मेक अ पॉइंट, मैं अभी पूरी बात खत्म कर लूंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, हो सकता है मुस्लिम वुमेन में, आप कह रहे हो कि जितनी मुस्लिम वुमेन है उतनी रहेंगी, आपसे किसने कहा कि शादी खाली मुस्लिम वुमेन से ही हो रही है? ये किसने कहा आपसे? क्या मतलब? मतलब कितने केसेस आपको मैं दिखाऊं जहां पे हिंदू वुमेन को झूठ बोल के, कोर्स करके, ब्लैकमेल करके उनसे शादियां की जा रही हैं? नो, अभी लव जिहाद का नैरेटिव आ गया आपका, नहीं नहीं काउंटर नैरेटिव आ गया आपका, लव जिहाद का ड्रामेबाजी आ गई आपकी, नहीं नहीं, अरे आप भाई आप ड्रामेबाजी कह लो, मैं अभी बताता हूँ आपको, नहीं नहीं वो आपका एनेक्डोटल एविडेंस से कुछ नहीं ना होता, चल आ गया ना आपका, अब असल चेहरा आपका आरएसएस का नजर आया, यहीं पे आप लोग यही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने लव जिहाद का नैरेटिव रखा हुआ, आपने उसको क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की। मैं अगर एक हिंदू लड़की हूँ, मुझे एक मुसलमान लड़के से प्यार हो गया, तो किसी का बिजनेस नहीं है वो एक आधा केस होगा, कोई ऐसा मुझे गवर्नमेंट की रिपोर्ट दें जिसमें बताया जाए कि ये इतनी लड़कियां, हिंदू लड़कियां मुसलमान कन्वर्ट हुई और इन सारों को ब्लैकमेल किया गया था उनकी नंगी तस्वीरें बना के, कोई रिपोर्ट दें। बहुत सारी एक्स मुस्लिम लड़कियां हैं जो वापस हिंदू धर्म में वापस कन्वर्ट हुई है, आपको बहुत सारे वीडियोस मैं आपको भेज देता हूँ, आपके पास भी मिल जाएंगे, आप सर्च कर लो ना। नहीं नहीं, मैं कालीदास मुझे पता है, नहीं लूंगा, आप खुद सर्च कर सकते हो, अदरवाइज व्हाट आई विल डू इज आई विल कम बैक टू यू नेक्स्ट वीक आल्सो, आप खुद सर्च कर, कम बैक विद फैक्ट्स एंड फिगर, रेटरिक के साथ ना है, रेटरिक के साथ ना है, मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स दें, अरे सर मुझे एनेक्डोटल एविडेंस नहीं चाहिए, मुझे एनेक्डोटल एविडेंस नहीं चाहिए, मुझे ऑफिशियल किसी सर्वे की रिपोर्ट चाहिए या गवर्नमेंट की रिपोर्ट चाहिए, मुझे आपके मुंह की कहीं भी बात नहीं चाहिए कि मैंने उसको देखा सड़क पे, उसको जा रहा था, एक मुसलमान ने एक हिंदू को मुक्का मार दिया, देखो जी मुसलमान मुक्के मारते हैं हिंदुओं को, तो मुसलमानों ने हिंदुओं को मार दिया, ये इसको कहते हैं एनेक्डोटल एविडेंस, इसकी कहीं पे भी कोई वैल्यू नहीं होती, यू अंडरस्टैंड दैट। और ये जो आपने अभी बात की ना, चार शादियां की है, एक सेकंड, किस टाइप की सर्वे रिपोर्ट चाहिए आपको? मुझे रिपोर्ट चाहिए कि जो लड़कियां हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट होकर उन्होंने शादियां की हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी हैं, हमारे थानों में रिपोर्टें उनकी दर्ज हैं, उसके ऊपर स्टडी की गई है कि ये सारी औरतों को इन्होंने ब्लैकमेल करके किया था, ऐसे नहीं किया था कि हाँ मैं उसके इश्क में इतनी अंधी हो गई थी कि वो जो बातें कह रहा था मुझे वो कबूल थी, तो इसलिए मैं उसके इश्क में अंधे होकर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, जैसे हमारी जमायमा गोल्डस्मिथ ने किया इमरान खान के इश्क में अंधी होकर। देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द इंडिविजुअल, जिसको इश्क हो गया वो आपका बिजनेस नहीं है। मैं अगर कल को हिंदू होके हिंदू लड़की से शादी कर लूं, किसी का बिजनेस नहीं है, किसी पाकिस्तानी हुकूमत या ऑस्ट्रेलियन हुकूमत या इंडियन गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं है कि वो मुझे ये कहे कि आप हिंदू नहीं हो सकते, जस्ट लाइक दैट किसी का ये बिजनेस नहीं है किसी हिंदू लड़की को ये कहे कि आप मुसलमान नहीं हो सकते। तो मतलब यू आर सेइंग कि हिंदू जो मुस्लिम्स जो है वो अपने आप को मिस रिप्रेजेंट करके
झूठ बोल के कोर्स करके दे कैन मैरी, इज इट ओके? तो अगर मैं किसी लड़की को ये कहूं कि मैं बड़ा कोई भी बंदा किसी लड़की को, उसके बाद सवाल पूछा ना, सवाल सुन लो ना, सवाल सुन लो ना, ये तो आपका आरोप है ना, ये तो आपका, ये तो इल्जाम है ना आपका, अगर आरोप दिखाए मुझे रिपोर्ट दें, तभी आपके थ्रो कर रहा हूं मैं, मुझे रिपोर्ट दें आप, मुझे फिर आप रिपोर्ट दें, आप भाई बातें कर रहे हैं आपकी, और बहुत सा हार्ड फैक्ट, एक सेकंड, आपकी कहने से, अभी एक सेकंड, हार्ड फैक्ट नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं, आपने पॉइंट रखा है, आपने पॉइंट रखा है, उस पॉइंट का जवाब सुन ले, आपने कहा कि अगर कोई मुसलमान वो जी झूठ बोल के कह दे, अगर बड़े लोग मुसलमानों के अंदर मुसलमान, हिंदुओं के अंदर हिंदू, बड़े लोग कहते हैं हमारा बेटा बड़ी अच्छी जॉब करता है, वो ये करता है, उसकी 2 लाख रुपया तनख्वाह है, वो निकलती 1 लाख रुपया तनख्वाह है, तो आप उसको जेल में डाल देंगे? ये कोवर्जन है, ये लोगों के बेवकूफ बनाना है, दिस बिकम्स अ सिविल मैटर अनफॉर्चुनेटली, इसमें तो क्या आगे बाहर आएगी, किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, अगर लड़की बाहर आती है तो क्या उसका गला काट दिया जाता है, काट के फेंक दिया जाता है, तो उसका मर्डर का नहीं, तो मर्डर का नहीं, नहीं दफा 302 है कि नहीं, उसने में कन्वर्ट हो गई क्या बाहर आती है, तो बेवल भी सेफ, आर दे सेफ, अगर एक बार इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद बाहर आती है, आर दे सेफ, आप सेफ है क्या, आप आ सकते हैं पाकिस्तान वापस, अगर मुझे कोई मारेगा इंडिया में, इन इंडिया अगर मुझे कोई मारता है कि आप मुर्तद हैं, तो उसके लिए लॉस पहले मौजूद है, यू कैन बी, आप उसको ट्राई करें, आप उसको ट्राई करें, आप ये कह रहे हैं इसका मतलब मुस्लिम जो चाहे कर रहे हैं, दे आर ओके, वो उसको जेल में, वो 302 नहीं है दफा, कितने लाख लोग जेल में डाले जाएंगे, आप खुद जितने कत्ल होंगे, आपने ये कहा कि अगर वो बाहर आएगी इस्लाम छोड़ देगी तो क्या इसी सेफ, हमें पता मुसलमान कत्ल कर सकते हैं मुर्तद का, तो उसके लिए तो कानून पहले से है कि कत्ल की सजा, आपने जेल में जाना है, व्हाट इज योर पॉइंट, आपका क्या काम है इसके अंदर, आपने कौन सी कोई नई बात कर दी है इसमें, ये तो हमें पता है कि अगर कोई किसी का मर्डर करेगा, चाहे मुर्तद होने, एक्स मुस्लिम होने की वजह से, या किसी का कत्ल करेगा उसकी गाड़ी चोरी करने की वजह से, या किसी और वजह से, ही विल हैव टू गो टू जेल। अब आरएसएस से आके पूछेंगे कि क्या सोल्यूशन उसका होना चाहिए, आपका क्या सोल्यूशन है, What do you want out of this? देखिए ये कल्चर हमेशा एक मुसलसल एवोल्यूशन की स्टेट में रहते हैं, मुसलसल। अब देखें आज इंडिया के अंदर क्रिकेट कल्चर का पार्ट बन गया हुआ है, उनके एड्स क्रिकेट से रिलेटेड, उनकी हर जिंदगी, सचिन तेंदुलकर वहां पे इतना बड़ा हीरो हुआ है, गॉड के लेवल का। हाँ तो वो अच्छा जी क्रिकेट कहाँ से आई इनके पास, छोड़ दें क्रिकेट को, वापस गिल्ली डंडे पे चले जाएं, करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। बात यह है कि कल्चर जिस तरह के हमारी, वैसे तो हम बायोलॉजी में भी इस तरह की इवोल्यूशन देखते हैं, लेकिन कल्चर्स के अंदर भी जो चीजें उस वक्त के हिसाब से लोगों को पसंद होती हैं, यूजफुल होती हैं, वो चीजें रहती रहती हैं, और कुछ चीजें लोग छोड़ते जाते हैं। लोग अब जो है वो खोतों पे सफर नहीं करते, ठीक है फिर इनफ, ये टेक्नोलॉजी का भी एक पार्ट है, लेकिन ये जो है ना पुराना पीछे जाना, चेंज होता है, पीछे जाके आपने क्या निकाल लेना है, आपने खुले आसमान के नीचे पॉटी जो पेशाब करना, भाई आपको टॉयलेट्स बुरे लग रहे हैं, क्या तकलीफ है इतनी पीछे जाए, जाके खेतों में जाके पोटी करें, हाँ वो भी कल्चर है जी, हल चलाना। अभी अभी पिछले हफ्ते मेरे पास ट्राइबल, एक लड़का ट्राइबल आया था, पिछले हफ्ते एक लड़का ट्राइबल आया था, ही वाज ग्लोरीफाइंग ट्राइब सोसाइटीज के जी, वो बड़े अच्छी जिंदगी रह रहे होते हैं, भाई उनकी लाइफ स्पैन चेक करें, इट्स लोअर देन द रेस्ट, और वो खुद एसी वाले कमरे में मॉडर्न इंडिया में एंजॉय कर रहा है और आइडलाइज कर रहा है ट्राइब को। ये लोगों में जो रेमिनेसेंस होती है ना, ये अपनी पुरानी चीजों को ग्लोरीफाई करना और नॉस्टैल्जिया में जाना, exactly. और ये इसका हकीकत से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। भाई छोड़ दो सब कुछ, जाके ना मंदिर में जाके वहां पे सारा दिन रहने लग जाओ, बिजली का बिल काट दो, गाड़ियां चलाना छोड़ दो, खेत अपने मॉडर्न टॉयलेट खत्म करके खेतों में जाके पोटियां करने लग जाओ, ट्रेन ट्रैक पे और ट्रेनों पे भी छोड़ दो, बांदरों को ले आओ, ट्रेनें भी बंद कर दो। भाई सोसाइटीज इवॉल्व होती हैं, Exactly. उसका सलूशन ये नहीं है अगर मुसलमानों को चार्ज उनके मस्जिदों के ऊपर उनका आपने डिस्काउंट दिया हुआ, फेयर इनफ, हम ये कह रहे हैं कि उनका डिस्काउंट भी छीन लो उनसे, टैक्स ब्रेक, आप कह रहे नहीं हमें भी दो, हम इसलिए दैट्स वेयर वी डिफर फ्रॉम यू। आप रेकग्नाइज तो कर सकते हैं एक प्रॉब्लम, वो भी प्योरली अपने हिंदू बायस के साथ, लेकिन आप उसका जो सोल्यूशन देते हैं वो सोल्यूशन हमारा नहीं, ये है हमारी प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर एक्सपोजिंग आरएस। एक छोटी सी बात और करना, सिर्फ एक मिनट में, देखें ये जो बात होती है ना हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत की, मैं, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है, देखें एक वो भी वक्त था कि ये यूरोप के अंदर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, कोई दूसरा एम्पायर था, देखें ये वक्त हम निकल आए हैं इससे बहुत दूर, इस चीज को सोचना छोड़ दें कि आप पाकिस्तान एक हकीकत है, बांग्लादेश को भी पाकिस्तान ने माना है क्योंकि बांग्लादेश एक हकीकत है। अगर हम यही कहते रहेंगे ना कि नहीं जी तो हमारा पार्ट था,
भाई दुनिया आगे निकल गई है, वो ठीक था गलत था दैट्स अ सेपरेट डिबेट, उसके बारे में लोग कर सकते हैं। नहीं ये भी कह रहे थे गलत था, आई हैव नो शेम इन सेइंग कि पार्टीशन होना गलत था, वी शुड हैव स्टेड टुगेदर, मैं ये भी कह देता हूं। हाँ, मेरा व्यू है, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ये लेकिन इसका व्यू किसी के मुख्तलिफ भी हो सकता है, ऐसे भी लोग को मिल सकते हैं एंड दैट्स फेयर इनफ, उसमें कोई बात। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि पीछे देखना छोड़ दें, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आगे आगे देख के गाड़ी चलाए, पीछे हर वक्त देखते रहेंगे ना तो फिर आप बच जाएंगे किसी में जाके। स्टोइक में ये भी कहूंगा कि पीछे देखें, जरूर देखें, जो अच्छी चीजें वो जरूर देखें, मुझे बस ये बता दें उन अच्छी चीजों को इम्प्लीमेंट करने से आपको रो कौन रहा है, उस भाई का हमने सर खा लिया। लेकिन मुसलसल पीछे ना देखते जाए, चीजें इवॉल्व होती हैं, जो अच्छी चीजें आपको लगती है ठीक है आपको किसने रोका। और दूसरी एक सिर्फ आखिरी पॉइंट, सॉरी मैं बहुत टाइम ले लिया, आखिरी पॉइंट सिर्फ ये है, हिंदू राष्ट्र का मसला, हमारा मसला हिंदू राष्ट्र के साथ ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर रिलीजन की आइडियोलॉजी लेकर कुछ खास लॉ मेकिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल जब आप गाय को मारना उसको आप बैन करेंगे, तो ये एक रिलीजियसली मोटिवेटेड लॉ मेकिंग होगी, हम प्रिंसिपली इसके खिलाफ हैं, फेयर इनफ आपका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। इसी तरह हम कोई इस्लामी शरीयत की जो है वो अगर स्टेट लेवल की लॉ मेकिंग के अंदर उसका भी अमल दखल होता तो हम उसके भी खिलाफ, वी आर कंसिस्टेंट, पता नहीं क्यों ही समझ आती है लोगों को। चलें स्टोइक भाई, प्रॉब्लम ये है कि अगर वो मुस्लिम लॉ खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ वन कंट्री वन रूल, तो ये जो मुस्लिम को सेपरेट राइट मिला है वो खत्म कर दें, फेयर इनफ, इसमें हमें कोई एतराज नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि हमें भी वो डिस्काउंट दो जो उन्हें दे रहे हो। नहीं वो कह रहे हैं खत्म कर, मुझे लगा है मैं डायरी आपसे फुली अग्री नहीं करता, मैं थोड़ा सा इसमें नुआंसेस लेके आता हूँ। देखें अमेरिका की हम लोग अक्सर मिसाल देते हैं ना, अमेरिका के अंदर जो एज है, अमेरिका की बात नहीं आप कर सकते, उन्होंने दे डोंट हैव अ फीमेल प्रेसिडेंट येट, आप अमेरिका की बात नहीं कर सकते। नहीं मैं वैसे जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं कर सकते ना, उनकी उन्होंने आज तक कोई औरत प्रेसिडेंट नहीं दी, यू कांट हैव, ये उनका आर्गुमेंट था ये। Yeah, he said that. अच्छा, अमेरिका से आप इक्वेट करें। हम उनकी बात नहीं करते, मैं एक जनरल लेवल, मैं एक प्रिंसिपल लेवल की बात कर रहा हूँ। देखिए अमेरिका के अंदर कुछ स्टेट्स के अंदर औरत की, लड़की की जो शादी की उम्र है वो मुख्तलिफ है। इसी तरह अगर कोई स्टेट्स, मैं अगेन यू माइट नॉट अग्री विद मी, लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कुछ स्टेट्स हैं इंडिया की, और इंडिया इज अ ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री, तो कुछ स्टेट्स जहाँ पे ये लॉ मेकिंग स्टेट लेवल की अपनी टैक्सेशन वगैरह वो करना चाहती है, तो इस तरह की वो लॉ मेकिंग कर सकती है। लेकिन पॉइंट फिर भी उसमें यही है कि जो रिलीजियसली मोटिवेटेड होगी वो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, और इसलिए हम उसको उस प्रिंसिपल पे उसको उसकी नफी करते हैं। नहीं स्टोइक, मैं आपकी बात मानता हूं, अब मेरी बात सुने, अगर जो मुस्लिम्स का प्रॉब्लम है कि वो मुस्लिम चार शादियां कर सकते हैं, मुस्लिम्स को अलग राइट्स दिए हैं, तलाक और भी जो छोटी, मैं कहता हूँ खत्म कर दें मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, फिर वो ये भी अलाउ करें कि मैं दिल्ली जाऊं तो मैं बीफ बर्गर खा सकूं, वो गाय अलाउ कर देंगे ओपनली हमें कंज्यूम करना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो उन्होंने भी तो अपने रिलीजन की बेसिस पर अपनी एक चीज रखी हुई है। मेरा नहीं ख्याल आरएसएस आपको वो कभी अलाउ करेगी, नंबर वन। नंबर टू, वो ये भी खिलाफ थे कि ओबीसी और उनको ने कहा था बैकवर्ड कास्ट को हमें सीट्स दे रहे हैं, आपको पता है इंडिया में 40-50% सीट्स हैं उनकी, वो तो रिलीजन बेस्ड नहीं है, उसमें ज्यादा फायदा तो लोग का हिंदू उठा रहे हैं, वो उन्होंने बातों में कहा था वो भी खत्म करो। क्षितिज भी आए हैं, क्षितिज जी। हाँ जी आरएस, कैसे लग रहा है आपको आज आरएसएस के बंदे से बात करके? यार मुझे तो लगा मैं किसी पता नहीं किंडरगार्टन के केजी के बच्चे से बात कर रहा हूँ, ऑनेस्टली आई ट्राई टू बी एज पेशेंट एज पॉसिबल, बट उनको एक इतनी सी बात, पहले उन्होंने इतनी छलांगे मारी कि क्या चीज है, यू आर अ मॉडर्न सेक्युलर इंडियन, आप मुझे बताएं कि क्या आपको इंडिया में अंडर सेक्युलर इंडिया फेयर इनफ के जो ओबी, और उसकी भी वजूहत इतनी सिंपल नहीं है कि मैं आपको ये कहूं कि आज कर दो। मुसलमानों की कितनी पॉपुलेशन ब्यूरोक्रेसी में है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट, ये उसी तरह की एग्जांपल है अमेरिका वाली, कि अमेरिका में जिस तरह ब्लैक्स जो है उनके साथ एक सिस्टमैटिक बैकवर्डनेस रही है, इसीलिए आपने अपनी लोअर कास्ट का नाम ही ओबीसी रखा है, अदर बैकवर्ड कास्ट। मुसलमान अगर कास्ट सिस्टम में होते तो मुसलमान भी अदर बैकवर्ड कास्ट में जाने थे, तो उसके लिए उसको, हाँ, और उसको वापस लाने के लिए उसको थोड़ा जो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है एबोरिजिनल्स को स्पेशल यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन उनको फ्री है, हर चीज उनको फ्री दी जाती है क्योंकि दे वांट टू रेज देम। एग्जैक्टली उसी तरह ये, इसलिए इतना सिस्टम इतना आसान नहीं है कि रिजर्वेशन खत्म कर दो तो वो तो पहले बेचारे गुर्बत में रह रहे हैं, तो हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस। अब आ जाती है बात कि आपने उनके रिलीजन के ऊपर क्या, वो जी आपने उनको चार शादियों को सैंक्शन किया, मुझे पहले समझ नहीं आई, देन आई अंडरस्टूड हिज साइड। ओ भाई अगर फर्ज करें कि हिंदू ने चार गर्लफ्रेंडें रखी हुई हैं, आप उसको जेल में रख देंगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, ये हो ही नहीं सकता।
यू कांट पुलिस पीपल्स प्राइवेट लाइव्स। अगर किसी ने और अगर किसी ने मैंने अगर मैंने अपनी मर्जी अगर मैं हिंदू हो जाऊं अपनी मर्जी से तब ये कहेंगे मुझे तिलक लगा के मैं हिंदू हो जाऊं ये कहेंगे हाँ जी बड़ा अच्छा। और अगर हो सकता किसी बाबे ने मुझे बहला फिसला के बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता दी हो हिंदुइज्म की जिसकी वजह से मैं इंप्रेस होकर अगर मैं खुद बेवकूफ बनाऊं अगर मैं चरिया बन गया हूं देन इट्स ऑन मी। स्टेट का बिजनेस फिर भी नहीं है। यही वजह है कि वेस्ट में भी अगर कोई गोरा मुसलमान होता तो उसको नहीं कुछ कहा जा सकता। ये मुसलमानों का रवैया है कि अगर आप मुसलमान से कुछ और हो गए तो आपकी गर्दन उड़ा देंगे। ये आपका रवैया नहीं है और लीस्ट ऑफ ऑल सेक्युलर इंडियन मॉडर्न इंडियन स्टेट का रवैया ये नहीं हो सकता। तो ये जो एनीवे क्षितिज अच्छा मैं दो तीन बातें आपको बड़ा क्योंकि ये तो बहुत फेक न्यूज फैला के गए हैं तो मैं दो तीन मैंने आपको व्हाट्सएप सॉरी इंस्टाग्राम पे भी आर्टिकल्स भेजे हैं। एक तो पहली बात है स्प्यू का रिसर्च है कि इंडिया में इंटर रिलीजियस शादियां हैं वो 1% होती है। 1% जो इंटर रिलीजियस शादियां होती है उनमें भी ज्यादातर जो ज्यादातर क्या 99.9% जो शादियां हैं वो मतलब जो अच्छे फेथ में होती है। इसमें कोई वो पीछे से कोई गलत नाम बता के या झूठा दावा करके नहीं होता। पहली बात ये। दूसरी बात यानी एक हिंदू लड़की को सच में इश्क हो सकता है किसी मुसलमान से। एग्जैक्टली किसी सलमान खान से हो गया। और ये जो ये वाली ये बात करते 12-12 बच्चे हैं। आप देखें मुस्लिम फर्टिलिटी रेट जो अभी गिरा है ना जिस रेट से वो इंडिया में सबसे तेजी से किसी कम्युनिटी का गिरा है तो मुस्लिम फर्टिलिटी रेट गिरा है। ये इनको दिखता नहीं बिकॉज वो वैसे हिंदुओं से थोड़ा ज्यादा अभी भी 2.8 में है कि 2.9 पे है और 2.6 ओके 2.6 इवन लोअर देन आई थॉट। और कहां 70s में 4. कुछ होता था 5. भाई वो डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कहां पर भी आएगी जी। इसमें एक और एंगल है हरीश देखें जो स्टेट जैसे केरल एक स्टेट है इंडिया केरला वहां पे जो मुस्लिम का बर्थ रेट है ना वो आप बिहार के हिंदू से कंपेयर करेंगे तो वहां मुस्लिम कम बच्चे पैदा कर रहे हैं बिहार की तुलना में। क्यों? क्योंकि केरल एक अच्छा स्टेट है वहां एजुकेशन ज्यादा है वहां के लोगों की जिंदगी में तरक्की आई है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है। ये फैक्टर होते हैं। ये नहीं होता कोई हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं या मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये तो एग्जैक्टली ये इनके पास कोई स्टैट्स होते नहीं है हवाई बातें आके कर देते हैं इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बातें आती। और इसको इतनी सी बेसिक सी बात की समझ नहीं आई कि भाई चाहे एक बंदा चार औरतों से शादी कर ले या चार बंदे एक एक से शादी करें जो द नंबर ऑफ वुमेन है वो उतना ही रहेगा। ऐसे नहीं है कि मैंने सारी मुसलमान फर्ज करें तो हम 10 मुसलमानों ने सारी मुसलमान औरतों को अपनी बीवियां बना लिया। I'm just giving a very random ballpark figure. नहीं 40 औरतें हैं 40 मर्द हैं एक महल्ले में चार बंदे हैं जिन्होंने 10 बंदे हैं जिन्होंने चार चार कर लिए बाकी के जो 30 हैं वो रह गए हैं उनके पास अब वो उनके पास कोई औरत बची नहीं है क्योंकि औरतें तो लिमिटेड है। अब हमने हर चार चार बीवियां हमने उतने ही बच्चे पैदा करने दो दो हर औरत से कर दिए तो हर बंदे की 4 x 2 कितने हैं जी 8 बच्चे हैं एक औरत से। और वही अगर एक बंदा एक औरत से शादी करेगा तो तब भी औरतें उतनी ही रहेंगी और बच्चे उतने ही रहेंगे अनलेस के ओवरऑल आपका एटीट्यूड बच्चे ज्यादा पैदा करने का जो अभी आपने क्षितिज ने दिखाया कि मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट भी ओवरऑल हर जगह पे गिर रहा है पूरी दुनिया में गिर रहा है। और प्यू का जो आपने सर्वे बताया था मैंने वो सर्वे किया था सिर्फ 1% होती है। ये कहते हैं जी वो 1% से आपको क्या पूरी वो जो डेमोग्राफी 2050 में कितने मुसलमान हो जाएंगे जी 2050 में कोई पता नहीं 60% मुसलमान आ जाएंगे। वो उसने नरसिंह आनंद ने कहा कि 20 crore हिंदुओं का कत्ल होगा बाकी 20 crore भाग जाएंगे और बाकी 40 crore जो बच जाएंगे वो बेचारे गुलाम बन जाएंगे। पता नहीं कहां से आंकड़े उठा के ले आते हैं ये लोग। फिर हमें कहते हैं जी आप हमारी इज्जत करें आरएसएस की आपका ये चेहरा है असल में सो गए। हालांकि मैं आरएसएस के ऊपर इतनी बात नहीं करता होता ये तो ये नैरेटिव है जिसके ऊपर हम बात करते हैं। अच्छा उसके अलावा तीसरी पॉइंट इसके अलावा ये तो दो पॉइंट हो गए। तीसरी बात इन्होंने करी कि जो मंदिर है कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हैं ये भी एक अलग प्रोपेगेंडा ये भी व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे फेक न्यूज फैलाई जा रही थी। ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है कोई ऐसा लॉ नहीं है। ये इसके ऊपर भी क्विंट ने आर्टिकल लिखा हुआ है वो भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है कि ये भी एक फेक प्रोपेगेंडा इन्होंने फैलाया हुआ है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।